वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, व्हाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में हमें लोकल गवर्नमेंट की क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले फिर से मैं एक सुपरफिशियल टच कर लूं लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है, local government means that the local affairs such as the management of roads, arrangement for sanitation, burial grounds, primary and middle school etc. should be done by the institutions of local self-government such as the municipalities, municipal corporation, gram panchayats etc. तो फिर से मैं बता दूं आपको, local government वो government होती है जो local level की problems को solve करे। चाहे आप देख रहे हैं प्राइमरी मिडिल एजुकेशन जो है, हेल्थ सैनिटेशन जो है, डिस्पेंसरी जो है, रोड्स वगैरह, पानी का इंतजाम, ये सारी चीजें जो है वो लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट अंजाम देती है। तो वही इसमें पूरा हमें पढ़ना है कि लोकल लेवल जो है, अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट पाई जाती है और रूरल एरियाज में भी। जैसे हम रूरल एरियाज की बात करेंगे, देहातों की बात करेंगे, गाँव की बात करेंगे, वहां ग्राम पंचायत होती है। और इसी तरह से जब हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज होती है, टाउन एरिया कमिटीज होती है, टॉप लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में सारा पढ़ना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि हिंदुस्तान में लोकल गवर्नमेंट का क्या स्टेटस था पहले, आजादी से पहले या आजादी के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल ज्यादा से ज्यादा नारे लगाए जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पे करके भी दिखाया कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया, पावर को लोकल लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया और लोगों से कहा कि आप, ये आपका काम है, यू शुड टेक पार्ट इन गवर्नमेंट अफेयर्स, यू शुड टेक पार्ट इन गवर्नमेंट डीड्स। तो इस तरह से गवर्नमेंट का काम जो है वो लोग संभाल रहे हैं, लोग डायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं गवर्नमेंट के कामों में। तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी हमने लोगों को भी इख्तियारात दे दिए हैं कि वो लोकल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें, एक छोटी सी बॉडी बनाए, उसको तश्कील दे, फंड्स वगैरह स्टेट देगी और लोगों के जो लोकल लेवल के मामलात है वो उसी बॉडी के जरिए हल हो जाएंगे। चाहे हम ग्राम पंचायत की बात करें, गाँव में जो पंचायत होती है, चाहे हम टाउन एरिया कमेटी या म्युनिसिपैलिटीज की बात करें। तो बच्चों, जब हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करेंगे, आजादी से पहले जो लोकल गवर्नमेंट थी, क्या हिंदुस्तान में इसका कोई रोल था या नहीं, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि जहां तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इट एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ताज एंड मौर्याज। हम बात करेंगे पुरानी गुप्ता पीरियड की, मौर्य पीरियड की, उस वक्त पंचायत हुआ करती थी। तो इसका मतलब है कि पंचायत का रोल, लोकल बॉडीज का, लोकल गवर्नमेंट का रोल उस वक्त भी था। हालांकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यू नो ब्रिटिश, दे कोलैप्स्ड द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, उन्होंने ज्यादा बढ़ावा दे दिया म्युनिसिपैलिटीज को ही, तो उन्होंने कोलैप्स किया। लेकिन फिर से लॉर्ड रिपन जो आए 1919 में, उन्होंने फिर से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वगैरह दे दी, कहा कि नहीं, हमें पावर को क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, और उन्होंने फिर से पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर लिया। तो जहां तक हम लोकल गवर्नमेंट के म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे, तो मद्रास, कलकत्ता एंड मुंबई, आजकल मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे कहा करते थे, वर द फर्स्ट टाउन्स वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वर सेट अप। ये पहले टाउन्स रहे हैं उस जमाने में। इनफैक्ट 1857 की मैं बात करूंगी, तो उस वक्त 1871 की मैं बात करूंगी, उस वक्त मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे जो है वो पहले टाउन्स रहे हैं जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप हुई थी। तो इसका मतलब है, जब हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करेंगे, उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट का रोल रहा है लोगों के मामलात को, लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उस वक्त भी स्ट्रक्चर, ये बॉडीज बनाई गई, चाहे पंचायत की बात करें या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, उस वक्त भी ये लोकल गवर्नमेंट्स थी जो लोगों के लोकल लेवल के मामलात को हल कर रही थी, लेकिन उतना कुछ उसका रोल ज्यादा नहीं था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं, आजादी के बाद की हम बात करते हैं कि
गवर्नमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान ने लॉन्च किए कि हमें लोकल लेवल पे लोगों की मामला जो है, लोगों की प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। तो पहला जो प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया हिंदुस्तान की सरकार ने किया, दैट वाज CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 1952 इन 55 एरियाज व्हिच कवर्स 16,500 विलेजेस। याद रखिएगा बच्चों, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था जिसको 1952 में अमल में लाया गया, जो कि 55 एरियाज में, 55 एरियाज में जिसने कवर किए 16,500 गांव जो है इन्होंने कवर किया। और इन्होंने कहा कि ये जो गांव हमने सिलेक्ट किए हैं, हमें इनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, हमें वहां पे काम करना है इन इलाकों में, इन एरियाज में, वहां पे गुर्बत हटानी है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना है। इसी तरह से हमें यहाँ पे प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या कि हमें यहाँ पे काम करना है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज के लिए काम करना है, चाहे हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो। तो ये सारे के सारे काम इन्होंने कहा कि CDP के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट करवाएगी। और इससे क्या होगा, इससे एक गाँव की जो हालत है वो काफी हद तक सुधर जाएगी, लोगों के लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट ने, हालांकि पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, पहले तो इन द बिगिनिंग द CDP फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, पहले इस प्रोजेक्ट ने ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, देन द प्रोजेक्ट वाज इंटीग्रेटेड विद पंचायती राज। उसके बाद पंचायती राज के साथ इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया गया, अब ये जम हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जिसको हम CDP कहते हैं। तो ये पहला ही प्रोजेक्ट था जो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस के लिए तश्कील दिया गया, जिसको हम कहते हैं लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट संभाल रही थी। तो उसके बाद सेकंड वन जो था, दैट वाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जो लॉन्च किया गया 1967 से 77 तक, ये दहाई में पूरा एक डिकेड ये चलता रहा। और इन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसके लिए सिलेक्ट किए और कहा कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट जो है ये काम करेगा इन्हीं सिलेक्टेड 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका भी यही मकसद होगा कि टू रिड्यूस द पॉवर्टी, और इसके साथ साथ टू रिड्यूस यू नो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, या कि टू ब्रिंग एंड इम्प्लीमेंट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्रमोट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सारा का सारा जो काम था ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के तहत तश्कील दिया गया। तो उसके बाद जो थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, दैट वाज पंचायती राज। बच्चों याद रखिएगा, पंचायती राज जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। एक कमेटी बिठा दी हिंदुस्तान की सरकार ने पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, पावर को ज्यादा से ज्यादा तकसीम करने के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के मामलात में। तो इन्होंने यहाँ पे पंचायती राज जो है इंट्रोड्यूस कर लिया और ये काम सौंपा गया बलवंत राय मेहता को, उसे कहा गया कि आप इस पर काम कर लीजिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट थी, तो उन्होंने पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया कि पंचायती राज जो है किस तरह से हिंदुस्तान में काम करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारा कुछ इन्होंने तश्कील दे दिया। इनफैक्ट हमने पहले ही जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें भी पार्ट फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें भी पंचायती राज का डिस्कस किया गया। जब हम पढ़ते थे गांधी प्रिंसिपल्स, उसमें गांधी जी का ख्वाब था कि हिंदुस्तान में पंचायती राज इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, दिस वॉज द ड्रीम ऑफ दिस यू नो M.K. गांधी। तो इस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी का ख्वाब था कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज पावर को किया जाए। तो उन्हीं के ख्वाब को पूरा करने के लिए जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस काम सौंपा बलवंत राय मेहता को और इस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी तैयार करके दे दी, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया। और इन्होंने कहा कि अब पंचायती राज जो है ये 3 tier का होना चाहिए, जैसे लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये स्ट्रक्चर तश्कील दे दिया। और उसके बाद पहली जो स्टेट थी राजस्थान, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया 59 में, और साथ साथ ही राजस्थान जो है, राजस्थान में
पंचायती राज को, और उसके साथ साथ ही आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया। बच्चों याद रखिएगा कि जो पंचायती राज है, हालांकि इसको बहुत पहले 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये कंपलसरी हर स्टेट के लिए नहीं था। और क्या था कि कोई जो स्टेट है, अगर किसी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया, वहां टू स्ट्रक्चर्स ही होते थे, एक विलेज लेवल पे होता था, दूसरा होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं पे ब्लॉक लेवल पे होता था, विलेज लेवल पे होता था। तो ये स्टेट्स की अपनी मर्जी थी कि टू टायर रखे या थ्री टायर रखे, और ये मैंडेटरी हर स्टेट के लिए नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, नरसिम्हा राव जी के पीरियड में, इनफैक्ट 1993 में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जिसमें दो शेड्यूल ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 11th एंड शेड्यूल 12th। शेड्यूल 11th में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कहा गया कि 1993 जो यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी, 1993 में जो अमेंडमेंट हुई थी, जिसको 73rd अमेंडमेंट कहा जाता है। In 1993, a very important amendment was, implemented in 1993. That amendment was 73rd Amendment Act. और उसमें क्या कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि अब हर स्टेट के लिए पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करना ये कंपलसरी बन गया। हर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हर स्टेट अपनी अपनी अपने अपनी स्टेट में इसको कंपलसरी बनाए, इसको मैंडेटरी बनाए। और उसके बाद हर स्टेट ने और एक स्ट्रक्चर दिया, ढांचा दिया बना के। ढांचे में पहले लेवल पे रखा गया ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, और पंचायत समिति या पंचायत समिति जिसको हम कहते हैं, इसको एट ब्लॉक लेवल, और उसके बाद टॉप लेवल पे जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो थी, ये पहले नहीं थी इस तरह से। मैंने पहले भी कहा आपसे, कोई स्टेट जो है वहां ये टू टायर था, कहीं थ्री टायर था। लेकिन फिर जो ये अमेंडमेंट हुई 1993 में, 73rd अमेंडमेंट, इसने कंपलसरी रखा कि अब हर स्टेट में ये थ्री टायर होगा, और हर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी बनाए। और उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज का जो है, आपको हम बता दें कि थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी फिर से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, जो ये 11th शेड्यूल में, शेड्यूल 11th में ऐड किया गया है, और इसी तरह से यहाँ पे जब हम बात करेंगे, इस पंचायती राज के तहत 29 आइटम स्टेट्स को दिए गए। कितने? 29 आइटम स्टेट को दिए गए। और जब हम अपनी रियासत जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज एक्ट जो है वो 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1989 में। और तब से कंपलसरी रखा गया कि यहाँ पे भी पंचायत थ्री लेवल के होने चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूनिसिपैलिटी। जैसा मैंने अभी पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि म्यूनिसिपैलिटीज का जहां तक ताल्लुक है, जब हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करेंगे, हिंदुस्तान में मौर्या गुप्ताज के पीरियड में म्यूनिसिपैलिटीज थी या पंचायत हुआ करती थी, और खासकर ब्रिटिश के पीरियड में मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, ये पहले टाउन्स रहे हैं जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रही है। और म्यूनिसिपैलिटीज जो है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1993, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, जिसमें 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे पहले 10 ही शेड्यूल थे, और उससे पहले तो 8 ही थे, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल आर प्रेजेंटली 12। और 12th शेड्यूल जो है, इट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटीज जो है इंडिपेंडेंस के बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला अंडर शेड्यूल 12। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है, इट्स आल्सो हैविंग थ्री टायर स्ट्रक्चर। जब हम लोकल लेवल की बात करेंगे, दैट इज टाउन एरिया कमेटी, जिस तरह से गांव में विलेज पंचायत होती है, यहाँ टाउन में टाउन एरिया कमेटी होती है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे पंचायत की बात करेंगे, जो सेकेंड टायर है वो है ब्लॉक समिति, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है। और जिस तरह से वहाँ पंचायती राज में टॉप लेवल पे जो होता है जिला परिषद होता है, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो प्रेजेंटली जब हम कहेंगे, इस वक्त हिंदुस्तान में 8 स्टेट्स हैं जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो इसी तरह से ये स्टेट्स हैं जहाँ
किया गया था सेंसस 1991 में। तो ये कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की और कोशिश कर रहा है कि हम लोकल लेवल पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पावर दे दे, पावर को डिसेंट्रलाइज करें। और उसका सबूत है पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज, ये दो जो यहाँ पे बहुत बड़े अमेंडमेंट एक्ट पास किए थे 1993 में, उस वक्त इन दोनों को ऐड किया गया था 11th और 12th शेड्यूल कि हिंदुस्तान में जो है पावर को ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, इसलिए कि लोकल लेवल पे लोगों के मामलात को हल किया जाए। मकसद इसका यही है कि लोगों को खुशहाल जिंदगी दे दे, लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए हल कर दी जाए। तो आगे हम कल पढ़ेंगे डिटेल में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज का, हमें आगे डिटेल में पढ़ना है वो इंशाल्लाह कल।